नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई के पाठ 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इसकी शुरुआत की थी हमने भाग 1 से, यहां पर हम भाग 2 में इसे आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जिन्होंने साक्षात्कार लिया है। ये स्वयं एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है। इस पाठ में इन्होंने साक्षात्कार किया है, इंटरव्यू लिया है प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर जी का। तो चलिए उनसे पूछे गए प्रश्न जो तिवारी जी ने नागर जी से पूछे हैं, देखते हैं उन्होंने आगे किस प्रकार से उनसे अन्य प्रश्न पूछे। यहाँ पर तिवारी जी ने नागर जी से अगला प्रश्न पूछा। वो कहते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? नागर जी उत्तर देते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम उन्हें याद आते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये आधुनिक काव्य में ब्रजभाषा काव्य लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी बिहारी रत्नाकर रचनावली आज भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण काव्य के रूप में प्रस्तुत है। अगला चित्र है आपके सामने गोपाल राय गहमरी जी का। गोपाल राम गहमरी उपन्यास में जासूसी कहानियों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे हैं और ज़्यादातर इन्हें प्रसिद्धि मिली अपनी जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में। आधुनिक साहित्य के जन्मदाता कहलाए जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यासकार सम्राट भी कहा जाता है, इनकी चर्चा यहाँ पर हमारे सामने परिच्छेद में की गई है। उसके आगे वो कहते हैं कि माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग के खून से सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। अजानुबाहु का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, जो जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, या आप कह सकते हैं वीरों के लक्षण उन्हें माधव शुक्ल में दिखाई देते थे। यहाँ पर आपके सामने पहला चित्र है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। बच्चों अगर आपको याद होगा, नागर जी के घर में दो मासिक पत्रिकाएं आती थी, गृहलक्ष्मी और सरस्वती। गोस्वामी जी की कहानियां सरस्वती पत्रिका में हमेशा प्रकाशित होती थी। अगला चित्र है आपके सामने माधव शुक्ल जी का, जिनके बारे में नागर जी ने कहा कि वे अपने कुर्ते के जेब में हमेशा जलियांवाला बाग की सनी हुई मिट्टी को रखते थे। इसका कारण यह है क्योंकि ये बहुत बड़े देशभक्त थे। बच्चों ये एक कवि थे, नाटककार थे और बहुत ही बड़े अभिनेता भी थे। ये मंच पर नाटक भी करते थे और साथ में इनके मन में जो देश की पराधीनता के लिए जो आकांक्षा थी, उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेते थे। इसलिए इन्हें अजानुबाहु करके संबोधित किया नागर जी ने। अजानुबाहु का यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि एक जो वीरता के लक्षण होते हैं व्यक्ति में, इसलिए उसे अजानुबाहु कहा जाता है। अगला चित्र है आपके सामने शरद चंद्र जी का। शरद चंद्र जी के बारे में नागर जी ने कहा कि वे सन 1931 से 1937 तक इन बंगाल जाकर के इनसे मिलते रहे हैं। इनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय बताया था। ये बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। इन्होंने बांग्ला में लोकप्रिय उपन्यास लिखे हैं और ज़्यादातर इनकी जो कहानियाँ होती थी वो गांव से जुड़ी होती थी, वहाँ की जीवन शैली और लोगों के संघर्ष और उनके द्वारा झेले गए संकटों का इन्होंने अपनी कहानियों में वर्णन किया है। बच्चों इस परिच्छेद में हमारे सामने जो जलियांवाला बाग
ये जो परिच्छेद में नाम आया है, तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में ये कांड हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तारीखें हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में, जहाँ पर ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्ते मासूमों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से आज भी इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है, और जो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि अंग्रेजों द्वारा की गई अत्याचार की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है, किस तरह से वो हमारे देश में लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, यह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न तिवारी जी पूछते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी उत्तर देते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसे हमने बरसे ही जलद में भी पढ़ा था, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे आज भी हिंदुओं के घर में बहुत सारे हिंदू इसे कंठस्थ याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर नागर जी कहते हैं कि उन्हें इस काव्य के जो श्लोक है उसे जबरदस्ती याद करवाया जाता था, और ये नित्य मतलब प्रतिदिन उनके घर में ये रामचरितमानस के श्लोक को वे सुनते थे। तो इस प्रकार से नागर जी यहाँ पर तिवारी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी आपने खंज नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी ने उत्तर दिया, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे। जन्मांध का अर्थ होता है जो जन्म से अंधा होता है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों की मतभेद है बच्चों कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं थे, इस पर बहुत सारे सवाल जवाब आज भी विवाद होते हैं। आगे वह कहते हैं कि सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। तो यहाँ पर नागर जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि सूरदास नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने जो रचनाएं लिखी है उसमें उन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, तो यह नहीं देखना है कि वो आंखें देख रही है, वे अपने मन की आंखों से इन सभी चीजों का वर्णन करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि खंजन नयन जो उनकी रचना थी नागर जी की, उसमें सूरदास के चमत्कारों का उन्होंने वर्णन किया था, उसकी वजह यह है क्योंकि सूरदास आंखों से नहीं देखते थे, वे मन की आंखों से देखते थे। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते थे। बच्चों, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद होते थे। नेत्रहीन होने के बावजूद इन्होंने जो पांच ग्रंथों की प्रमुख पांच ग्रंथ लिखे हैं उनमें से है कुछ सूर सागर, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इत्यादि। बच्चों, यहाँ पर कहा जाता है कि जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूर सागर थी, जिसमें 1,25,000 पद संग्रहित थे, किंतु आज 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। इसलिए नागर जी ने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, और इस पर तिवारी जी ने उनसे प्रश्न पूछा था। आगे तिवारी जी पूछते हैं, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? सार्थकता का अर्थ होता है आप कितने सार्थक है, आप कितने सक्षम है उस चीज की आपने कभी परख की है? नागर जी कहते हैं, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठ की प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। भ्रमण का अर्थ है घूमना फिरना।
नागर जी कहते हैं, हाँ पूरे अखंड भारत वर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक इन यात्राओं का यह लाभ हुआ है कि मैंने कैरेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। बच्चों यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अखंड भारत का भ्रमण किया है, तो कन्याकुमारी से लेकर पेशावर तक और बंगाल से कश्मीर तक उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के व्यक्तियों से मिलकर उनके चरित्र को भी उन्होंने समझा बुझा है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तिवारी जी पूछते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी उत्तर देते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। बच्चों ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है ये रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक और कवि थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें व्यास सम्मान से पुरस्कार दिया गया था। बच्चों इनका विशेष योगदान यह है कि इन्होंने अपने उग्र और उत्तेजनापूर्ण निबंधों से हिंदी समीक्षा को एक गति प्रदान की थी, इसलिए रामविलास शर्मा जी नागर जी को बहुत पसंद थे। आगे वो कहते हैं, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह, देसी और विलायती, अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको मुखोपाध्याय प्रभात कुमार जी के बारे में बताया था कि ये बंगाली भाषा के मशहूर लेखक और उपन्यासकार थे, ये भी नागर जी को बहुत पसंद थे। यहाँ पर नागर जी ने देसी और विलायती जो संग्रह है उसके बारे में उन्होंने तारीफ करते हुए कहा है कि बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र उनकी कहानियों में मिलते हैं। आगे वो कहते हैं, टॉल्स्टॉय और चेखव, ये जो विदेशी लेखक हैं इनकी भी रचनाएं उन्हें पढ़ना पसंद है। तो ये जो विदेशी लेखक आपके सामने चित्र में प्रस्तुत है, टॉल्स्टॉय और चेखव, इनके उपन्यासों को पढ़ना, इनकी कहानियों को पढ़ना नागर जी पसंद करते हैं। अगला प्रश्न तिवारी जी पूछते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, संकलन का अर्थ होता है संग्रह करना। नागर जी उत्तर देते हैं, हाँ बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। उत्तर देते हैं नागर जी, हाँ बहुत करना पड़ा है, नाच्यो बहुत गोपाल, इस उपन्यास के लिए सफाई कर्मियों के बस्तियों में जाना पड़ा, उनके लिए रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको यह स्पष्ट होता है कि नागर जी जब भी कोई रचना लिखते थे और जिन किरदारों को वो उसमें रखते थे तो उनके बारे में जानने के लिए उन्हें बहुत जगहों पर जाना पड़ता था, फील्ड वर्क मतलब उन जगहों पर जा करके उस चरित्र से जुड़ी हुई बातों को जानना, उनके बारे में रीति रिवाजों को जानना, ये सब वो काफी करते थे। तो इस प्रकार आप देख सकते थे नागर जी स्वयं जा करके उस अनुभव को ग्रहण करते थे जिस अनुभव को वो अपनी कहानियों में लिखते थे। यहाँ पर इंटरव्यू की समाप्ति होती है और साक्षात्कार के पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर नागर जी ने दिए। अब जाते समय तिवारी जी उनसे कहते हैं, नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का लिहाज भी नहीं किया। नागर जी ने उत्तर दिया, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो ये एक प्रतिभाशाली लेखक की निशानी होती है कि वे अपने उम्र तक, जब तक वो जी रहे तब तक वो लिखने की जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका स्रोत है, वो उसे कभी छोड़ते नहीं और सदैव मनोरंजन के साधन के रूप में हमारे सामने कुछ ना कुछ वो लिखकर प्रस्तुत करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद। पाठ में आए कुछ
कठिन शब्द है आपके सामने। पहला मुहावरा है बहिष्कार करना, त्याग करना, भ्रमण घूमना या फिरना, शैली प्रणाली रीति या तरीका, संकलन संग्रह। स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर लिखिए नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव, और दूसरा प्रश्न है नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। उत्तर है साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में हुआ लाठीचार्ज, इसकी वजह से पहली कविता के जो शब्द थे कहाँ लो कब लाठी खाए, ये प्रस्फुटित हुए थे। दूसरा है नागर जी अपने पिता के किन गुणों से प्रभावित थे। उत्तर है वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे, उनके पिताजी किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे, पिताजी के इस गुण से वे प्रभावित थे। अगला स्वाध्याय कृत प्रश्न आपके सामने, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्यिक कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। नागर जी द्वारा जो साहित्यिक कृति आपके सामने प्रस्तुत है, इन्हें कहानी उपन्यास कविता और अन्य में आपको यहाँ पे विभाजित करना है। पहले देखते कहानी में क्या आएगा। कहानी उन्होंने लिखी अपशकुन और प्राश्चित, उपन्यास उन्होंने लिखा महाकाल, खंजन नयन, नाच्य बहुत, गोपाल, ये इनके उपन्यास है नागर जी द्वारा रचित। अगला उन्होंने कविता लिखी कब लव कहाँ लाठी खाए, अन्य में आएगा गदर के फूल। अगला प्रश्न आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार, नागर जी के समय के जो साहित्यकार थे उनका नाम बताना है यहाँ पर। उनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला आपके सामने आकृति पूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको आकृति के उत्तर देने हैं। आलोचक और रचनाकार के कार्य बताना है। आलोचक का कार्य होता है गुण दोष की विवेचना करना, रचनाकार का कार्य होता है रचना करना। प्रश्न है अगला नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, तो उनके विदेशी लेखक जो जिनकी वो रचनाएं पढ़ते थे, उत्तर है टॉल्स्टॉय, अंतोन चेखव। आपके पुस्तक में चेखव लिखा है, उनका पूरा नाम है अंतोन चेखव। अगला प्रश्न आपके सामने उचित जोड़ी या मिलाव का है। यहाँ पर देसी और विलायती, अपशकुन, आनंद मठ और रामचरितमानस के रचनाकारों के नाम लिखने हैं। उत्तर में देसी और विलायती प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, अपशकुन अमृतलाल जी, आनंद मठ बंकिम चंद चटर्जी द्वारा रचित है, रामचरितमानस तुलसीदास। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न वाक्य में आई हुई मुख्य और सहायक क्रिया को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो आप पढ़ सकते हैं। पहला यहाँ पर है उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, इसमें आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया बतानी है। सारे वाक्यों में, ये जो सारे वाक्य दिए गए हैं इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया आपको दिखाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुख्य क्रिया हमेशा सहायक क्रिया की सहायता करती है, जो अंतिम क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आपके सामने आगे क्रिया को लिखा है, कहते हैं रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, इसमें मुख्य क्रिया करना और सहायक क्रिया पड़ा। माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी की को और सताने लगे, तो इसमें आप देख सकते हो लगे सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप होगा लगना, सताने मुख्य क्रिया। उसकी ननद रूठ गई, इसमें मुख्य क्रिया गई और सहायक क्रिया है रूठ, तो गई का मूल रूप आपको लिखना है जाना। वे हड़बड़ा उठे, दो क्रियाएं साथ में आई हुई है, तो यहाँ पर जो अंतिम क्रिया है उसे कहते हैं मुख्य क्रिया। आप देख सकते हैं उठे, और आपको इसका मूल रूप लिखना है उठना, यहाँ पे सहायक क्रिया है हड़बड़ाना। इसी प्रकार से अन्य, वे पुस्तक पकड़े न रख सके, उन्होंने पुस्तक लौटा दी, समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, काकी घटना स्थल पर आ पहुंची,
अवश्य लोग खा पी कर चले गए। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वाक्य में, आप देख सकते हैं अंत में दो क्रियाएं आई है, जिसमें एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। ये पहचानना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को मुख्य क्रिया पहचानने या सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा जाएगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपको अंतिम क्रिया देखनी है, अंतिम में जो शब्द होगा वो सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रियाएं हैं और इसके साथ में जो जुड़ी है वो मुख्य क्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में भी, यहाँ पर मैंने दिया है, मूल रूप भी लिखा है उसका। बच्चों यहाँ पे आपको गृह कार्य के रूप में विज्ञापन एक दिया जा रहा है, अंतरजाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको अंतरजाल मतलब इंटरनेट, इंटरनेट पर आपको सर्च करके आपको देखना है कि मेक इन इंडिया जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई है उसके संबंध में आप इन मुद्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन बनाइए आपके नोटबुक में। बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, आप आगे जाकर के अगर किसी साहित्यकार, लेखक या कवि से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछना है, आपको भेंट वार्ता किस प्रकार करनी चाहिए और आपके प्रश्न किन चीजों से संबंधित होने चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। उम्मीद है आपको इस पाठ का सारांश समझ में आया। धन्यवाद।